सिंगार करे दहलान में आरोग्य और मंदिर इतनी दीदार में।
श्यामा जी का श्रृंगार कहाँ पर होता है? श्यामा जी का श्रृंगार भूमिका कौन से? Thank you.
શબ્દ આખીન તો એ કયા શબ્દ? આ બ્રહ્મવાણીના શબ્દ. જ્યારે આપણે બ્રજમાં હતા ને ત્યારે આપણે નીંદમાં હતા. રાસમાં તો અર્ધ જાગૃત અને અર્ધ નીંદ. અને જે આ જાગણીની ત્રીજી લીલા જે ચાલી રહી છે, ચોથા દિવસની અંદર ધની શ્રી દેવચંદ્રજીના તન દ્વારા લીલા થઈ, પરંતુ તારતમવાણીનું અવતરણ નહોતું થયું, તો પણ છતાં આપણને જગાડવા માટે કેટલું કર્યું, પોતાના જીવની કસની કરી, પોતાના તનની કસની કરી, કેના માટે? આપણા માટે. તો પણ છતાં આપણે નીંદ માર્યા. પરંતુ પાંચમા અને છઠ્ઠા દિવસની લીલામાં તો ધામ ધણીએ આપણી સામે સમક્ષ વાણી રાખી દીધી છે. જીવાસ જ્યારે જીવાસ ખૂબ જ બીમાર પડી ગયા ત્યારે તેમના ઘરવાળાઓએ તેમને જમીન પર સુડાવી દીધા. સુંદરસાજી આવું એટલા માટે કરવામાં આવ્યું કારણ કે તેમને છેલ્લો સમય જાણીને અને પોતાના સંસારિક સુખ સુવિધાઓનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ તેમના ઘરવાળાઓએ તેમના નામનું દાન પુણ્ય કરવાનું ચાલુ કર્યું. એક સંસાર બના લિયા હૈ, એક ઝૂઠા સંસાર બના લિયા હૈ, જિસકો હમ ચાહ કર ભી ઉસ મોહ કી ડોરી કો હમ નહીં તોડ સકતે ઔર ઉસે હમ બહાર નહીં નિકલ સકતે. હમે તો કેવલ દ્રષ્ટા હોકર યે ખેલ દેખના થા. પણ આદર સુંદર સાજી, આપ જાનતે હૈ કે વિગત 300 વર્ષો સે धाम धनी ने सब सुंदर साथ को ये सेवा सौंपी है कि ब्रह्मवाणी को संसार में उजागर करें, अक्षरातीत की महिमा को संसार में बताएं और सारी मानव जाति को परम धाम के ध्यान की तरफ प्रेरित करें. लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, जो धाम धनी ने आदेश दिया उसको हमने पूरी तरह से अंगीकार नहीं किया. हमने आलस्य और प्रमाद की नौका के ऊपर चढ़कर सोते रहना ही अपना गौरव समझा है. और सबसे बड़ी भूल इस समाज की यह रही है कि उसने अपने आधे अंग को बिल्कुल शिक्षा से रहित कर दिया. यदि निजानंद संप्रदाय का इतिहास देखें तो इसमें केवल पुरुषों का ही बहुत तो रहा है. हमारे समाज में उच्च स्तर की विदुषी बहनें न तो पैदा हुई न उनको पैदा होने दिया गया. एक मानसिकता बना दी गई कि बहनें तो केवल शोभा यात्रा में नाच कर अग्रगण्य लोगों को रिझाने के लिए है. और इस मानसिकता ने बहुत अहित किया है. कोई भी समाज नारी जात का तिरस्कार करके नारी जात को बिल्कुल अशिक्षा के गर्त में ढकेल कर आगे नहीं बढ़ सकता. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वेद कहते हैं नारी निर्मात्री भवति, नारी जगत की निर्माता है. महान से महान योगी को, परमहंस को वही जन्म देने वाली है और उसको ही शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, धार्मिक संस्कारों से वंचित रखा जाएगा, उसको मंचों पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया जाएगा तो क्या परिणाम होगा? इन नारी समाज को आध्यात्मिकता के शिखर पर भी पहुंचा सकती है यदि वो स्वयं आध्यात्मवादी हो तो, किंतु यदि वह भौतिकवादी हो गई तो पतन की गहरी गर्त में भी डालने में संकोच नहीं करेगी. जो समाज नारी जाति को शिक्षा का पात्र ही नहीं समझता तो समझ लीजिए एक दिन ऐसा आएगा वो स्वयं शिक्षा से रहित हो जाएगा. हमारे देश का वो गौरवमय इतिहास रहा है. इस देश में अपाला, घूसा, विश्वामित्रा, गार्गी जैसी महान विदुषी वेद मंत्रों की समाधि अवस्था में साक्षात्कार करने वाली मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं हुई हैं. और जिस निजानंद संप्रदाय में ये घोषणा की जाती है कि हम परम धाम का ज्ञान लेकर आए हैं और परम धाम में ब्रह्मात्माएं हैं, प्रश्न ये होता है कि जिस समाज में ये घोषणा की जाती है कि हमारी भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति है, हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हैं, वे लोग नारी को शिक्षा से वंचित क्यों कर देते हैं? यदि नारी ही शिक्षित नहीं होगी तो उसकी आने वाली संतति शिक्षित कैसे हो सकेगी? कैसे वो संस्कार दे पाएगी अपने बच्चों में? शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था. कौशल्या ने बहुत लंबे समय से ये
अपने आहार विहार पर ध्यान, तपस्या पर ध्यान दिया था कि मेरे जो पुत्र हो महान हो, अत्यधिक सतोगुणी हो, इसलिए कभी भी उन्होंने रजोगुणी और तामसी आहार का सेवन कौशल्या जी ने नहीं किया था। जितने महापुरुष हुए सबकी माताओं की दिनचर्या कठोर तपस्या से होकर गुजरी है, तभी उन्होंने महान संतानों को जन्म दिया। और हम अपनी मातृशक्ति को अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं तो ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत अधिक घातक होगा। हमारे समाज में उच्च स्तर के विद्वान क्यों नहीं पैदा होते? क्योंकि हमारे समाज के अग्रगणी वर्ग का चिंतन ही कभी इस तरफ नहीं जाता कि जो ज्ञान का संवाहक ही नहीं बनेगा, ज्ञान की ध्वजा को लेकर कोई चलने वाला ही नहीं होगा, तो केवल मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाने से कभी जागने नहीं होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 300 वर्ष में केवल इसी को प्राथमिकता दी गई, आज भी उसी का बोलबाला चला आ रहा है कि अधिक से अधिक मंदिर बना दो, साल में एक बार भी तक कर दी जाएगी, वार्षिकोत्सव कर दिया जाएगा जिसमें रटे रटाए कुछ प्रसंगों की चर्चा कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया चल रही है लंबे समय से, और इस प्रक्रिया के जो चलाने वाले हैं वो सोचते हैं कि विद्वान पैदा क्यों करें, विद्वान पैदा हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कहीं खतरे में न पड़ जाए। और वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि विदुषी भी पैदा हो। उनकी मानसिकता ये है कि यदि विदुषियाँ भी पैदा हो जाएंगी, बहनें भी वाणी के मर्मज्ञ हो जाएंगी और वितक की मर्मज्ञ हो जाएंगी, धर्म ग्रंथों का अनुशीलन कर लेंगी, फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? ये संकीर्ण मानसिकता है। उनको ये सोचना चाहिए कि ज्ञान को जितना ही दोनों हाथों से लुटाएंगे उनका भाई ज्ञान बढ़ता जाएगा। और वाणी तो ये कहती है कि सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न तुम बिन, जो मेरी सुध दी और को चले तुम्हारा होगा। यदि संसार पर अपन अपना वर्चस्व चाहते हैं आप, तो आप अक्षरातीत की पहचान कीजिए और सबको कराइए। जब आप दूसरों को अक्षरातीत की पहचान कराएंगे तो आपका कहना समाज स्वयं मानेगा। इसके लिए राजनीति के दांव पे चलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विगत कुछ समय से कैलाश बहन के नेतृत्व में ये छोटी बच्चियों की शिक्षण से ये प्रक्रिया शुरू हुई, बहनों का शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। पहली बार 300 वर्षों में बालिकाओं के लिए ये व्यवस्था की गई कि वो वाणी वितक तथा अन्य धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें। और विपरीत परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए बहनों की विशेष संस्था बनाई गई जिसका नेतृत्व कैलाश बहन और ज्योत्सना बहन आज भी कर रही है। लेकिन समाज को जो अपेक्षित सहयोग देना चाहिए था वो अभी भी नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि कितनी ऊंची आकांक्षाओं से कुछ बच्चियों ने अपना जीवन समर्पित किया है कि हम ब्रह्मवाणी का अध्ययन करें, वितक का अध्ययन करें और इस ब्रह्मवाणी के गूंज को संसार में पहुंचाएं। आज समाज उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, मंदिर के कलश में कितना सोना चढ़ाना है, कितने महंगे पत्थर लगाने हैं, इसके लिए सभी तिजोरी खोल देते हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात आती है वहाँ सभी मौन बन जाते हैं। सुंदर साथ में ये है कि हम पाठ रखेंगे तो राज्य हमारी कोई मन्नत पूरी कर देंगे तो उसमें धन खर्च करते हैं। आप सोचिए, अक्षरातीत को तो आप लोग एक कर्मचारी बना देते हैं कि आप का वो कोई लौकिक कार्य कर दे तो आप धन की सेवा करते हैं, अन्यथा कोई ये ध्यान ही नहीं देता कि हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। यदि ब्रह्मवाणी की गूंज करनी है, संसार को ज्ञान का प्रकाश देना है, तो विद्वान तो तैयार करने ही होंगे, विदुषियाँ भी उसी अनुपात में तैयार करनी पड़ेगी। बहनों को शिक्षा से, संस्कार से, भक्ति से सबसे अलग करके कोई भी समाज न आज तक आगे बढ़ा है न कभी बढ़ पाएगा। आज भी देखिए, दूसरे पंथों में जाकर के देखें, आर्य समाज में एक से एक विदुषियाँ हैं जो चारों वेदों का ज्ञान रखती हैं, अष्टाध्यायी महाभाष काशिका पर अपना अधिकार रखती हैं। हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि कितना पिछड़ा हुआ है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां कहलाती हैं वो कई बार चौपाई का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाती। अचानक चौपाई का कोई प्रसंग दे दिया जाए, वाणी का कोई प्रसंग दे दिया जाए तो उनको चर्चा करने में कठिनाई अनुभव होती है। कोई भी प्रसंग दे दिया जाए तो यदि उनकी पहले की तैयारी नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाती है। आप सोचिए, आप क्या आशा कर सकते हैं? यदि हमारे समाज का शिक्षा का स्तर यही रहा तो आप पसरसी चौदह भवन में क्या आप कर पाएंगे? ये तो केवल कथनी की बात रह जाएगी। हम डंका पीट बजा करके कहते हैं कि हमारी ब्रह्मवाणी
सारे संसार में फैलेगी, सारा संसार वाणी का अनुसरण करेगा। लेकिन हम वाणी को फैलाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपने नाम से बड़े बड़े मठ मंदिर और आश्रम बनाने में कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की कामना ने हमें वाणी के प्रति अपने कर्तव्य को से भी हमें विमुख कर रखा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कैलाश बहन को और उनके साथ सहयोग में जो भी बहनें लगी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि किरण माता जी, जिन्होंने ज्ञानपीठ में भी 2005 से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था, अपना सारा जीवन बच्चियों की शिक्षा के लिए लगा रही हैं, वो धन्य हैं। और धाम धनी से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे ही शिक्षण कार्य अपना करती रहें, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी दूषी बनाया जा सके। और उनके साथ सहयोग में जो भी बहनें लगी हैं, जो ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए सन्नद्ध हैं, उन छोटी बालिकाओं को भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, जो आज कम से कम 17-18 साल की भी हो गई हैं, कुछ 10-12 साल की भी हैं। एक दिन कभी न कभी समय आएगा जब ये विदुषी बनकर संसार में वाणी की गर्जना करेंगे। लेकिन आज हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन फूल से बच्चियों को आगे बढ़ाएं, और इसके लिए हम तन से, मन से, धन से समर्पित रहें। मैं ये इस बात को कहने में कभी झिझक नहीं करूँगा कि हम राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। हम तो सोचते हैं कि हम सेवा वहाँ देंगे जहाँ हमारा नाम लिखा जाएगा, हमारे नाम से कुछ हो जाएगा, ताकि सब में फैल जाएगी कि हमने ये सेवा की है। और एक लंबे समय से प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बड़ोदरा में जो भी खर्च हो रहा है, वो विवश होकर कैलाश बहन और हितेश भाई को अकेले मिल करके उठाना पड़ता है। ये दुखद बात है। समाज में अनेकों के पास धन है, लेकिन उनका धन तो केवल प्रतिष्ठा के लिए रखा है। जैसी समाज को अपेक्षा करनी चाहिए, समाज से मुझे जैसी अपेक्षा है वो अभी नहीं हो पा रहा है। राजकोट भी सेवा करने में अपनी बहुमुखी भूमिका निभा रहा है। योजना बन को भी धन्यवाद है कि जगह जगह से सेवा एकत्रित करती हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। कैलाश बहन ने तो अपना जीवन ही अर्पित किया है। इन दो बहनों के सहयोग से गुजरात में जागनी का कार्य तेजी से बढ़ा है। मैं समाज के सभी सुंदर साथ से विशेष आग्रह करूँगा कि वो दीवारों को सुंदर बना देंगे तो इसे वाणी कभी नहीं फैलेगी। आप यह मत भूलिए कि सोमनाथ के मंदिर में सोने के थम थे, हीरे मोती उसमें जड़े थे, आखिर क्या हुआ? महमूद गजनवी ने अपनी गदा से तोड़ तोड़ करके सारा हीरा जवाहरात ले गया। उस मंदिर में 1000 पंडे रहते थे केवल पूजा पाठ करने के लिए। 1000 पंडों की पूजा पाठ को भी परमात्मा स्वीकार नहीं कर सका, और लुटेरों के द्वारा उनकी मूर्ति लूटी गई। आपकी ब्रह्मवाणी यदि मंदिरों में पड़ी रहेगी तो इससे संसार का कोई कल्याण नहीं होगा। आप जो सोचते हैं कि हम सोने का सिंहासन बना देंगे, सोने का कलश चढ़ा देंगे या सोने का हार चढ़ा देंगे, बढ़िया मागा चढ़ा देंगे तो राज्य खुश हो जाएंगे, तो ये आपका भ्रम है। राज्य कोई मनुष्य नहीं है जो आपके चढ़ावे से खुश हुआ करें। वो तो देख रहे हैं कि मेरी ब्रह्मवाणी को फैलाने में कौन कितना योगदान दे रहा है, मेरी चितवनी सिखाने में कौन कितना योगदान दे रहा है। इसलिए आप राज्य को खुश करने की चेष्टा न कीजिए, राज्य को रिझाने की चेष्टा कीजिए, और वो तब रिझेंगे जब आप उनकी ब्रह्मवाणी को फैलाने में सहयोग देंगे। मैं गुजरात के समस्त सुंदर साथ से, समस्त देश के सुंदर साथ से कहना चाहता हूँ कि अभी तो बड़ोदरा मंदिर जो ज्ञान केंद्र के रूप में है, उसी में बच्चियों का पठन पाठन चल रहा है। धाम धनी ने चाह तो इसका स्थानांतरण करना पड़ेगा, और ऐसी जगह लेकर के शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा जिसमें आने वाले समय में और अधिक बालिकाओं को शिक्षा दी जा सके। इसके लिए बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन जब तक कार्य चल रहा है, सुंदर सात अपनी सेवा से मुख न मोड़े। इस महान कार्य में वो जो सेवा देंगे उसमें कभी नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी। इस बात को याद रखें कि 300 वर्षों में पहला का हो रहा है कि बालिकाओं को वाणी और बीतक का विदुषी बनाया जा रहा है। पहले आज तक कभी बालिकाओं को शिक्षा देने के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। कुछ स्थानों पर शिक्षा दी भी गई तो भौतिक शिक्षा थी, वाणी बीतक विदुषी बनाने के बारे में आज तक कभी सोचा नहीं गया था। हमारे
बड़े बड़े धर्म स्थानों में तो आज से 25 साल पहले उनको मंच पर भी बैठने का गौरव नहीं मिलता था। आज शिक्षा दी जा रही है, आशा है कि आने वाले समय में हमारी ये बच्चियाँ जब वाणी की आवाज़ को एक सिंघनी की तरह गर्जना करके सुनाएंगी, तो मेरा अनुमान है कि आलस्य में सोया हुआ समाज अपनी निद्रा छोड़ करके उठ बैठेगा। इसलिए सब सुंदर साथ से आग्रह मैं करता हूँ कि कैलाश बहन के हाथों को मजबूत करें, संकुचित भावनाओं से ऊपर उठें और ये समझें कि प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में जिन बच्चों की शिक्षा दी जा रही है वो सारे देश की हैं। सारे देश को उन पर गर्व करना चाहिए और अपना तन मन धन का सहयोग करना चाहिए ताकि उसके व्यवस्थापन कार्य में किसी तरह की बाधा न हो। मैं आशा करता हूँ सब सुंदर साथ मेरे निवेदन को खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। प्रणाम जी।